गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स पर ऑल ऑफ यू आर फाइन इन दिस पैंडमिक सिचुएशन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब आचा होंगे सो हाउ इज योर स्टडी इज गोइंग ऑन आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है सो डियर स्टूडेंट्स आई एम ज्ञान रंजन माझी इज गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर फाइव एसिड बेस एंड सल्ट सॉल्ट द नेम ऑफ द चैप्टर इज एसिड बेस एंड सॉल्ट सो so स्टूडेंट्स हम आज बात करेंगे क्लास सेवन चैप्टर फाइव दैट इज एन सी आर टी साइंस का क्लास सेवेन का जो चैप्टर फाइव है उसी बारे में विल डिस्कस एराबोरेटली हम क्या करेंगे टोटल उसी बारे में डिस्कशन करेंगे ए टू जेड डिस्कशन दैट इज चैप्टर सेवेन एन सी आर टी का जो किताब है एन सी आर टी साइंस का जो चैप्टर फाइव है उसी बारे में हम डिस्कशन करेंगे दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट एसिड बेस एंड तो इसी बारे में टोटल डिस्कशन हम करेंगे सो इफ नॉट चैनल अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन जा करके दबा दीजिए और की हमारा जो रिसेंट नोटिफिकेशन जितना आए आपको मदद मिल सकते हम एन सी आर टी का एन सी आर टी साइंस खास करके जितना भी हो सकता है हम आपके लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध किया है आई हैिवन सम

तो एसिड का क्या रोल है बेस का क्या रोल है और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है उसमें इंडिकेटर कैसे चूज किया जाता है और कैसे न्यूट्रलाइजेशन और हमारा डेली लाइफ में कैसे वो मदद करते हैं ए टू जेड हम डिस्कशन करेंगे चलो अब बिना लेट करते हुए सो डोंट बी लेट लेट स्टार्ट द चैप्टर दैट इज चैप्टर सेवन सॉरी क्लास सेवन चैप्टर फाइव दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल चलिए हम शुरू करते हैं सो स्टूडेंट्स इन योर डेली लाइफ इन योर डेली लाइफ व्यू हैव कम एक्रॉस सो मैनी सब्सटेंसेस जस्ट लाइक यर लेमन टाम कॉमन सॉल्ट शुगर भिनेगर ओके हम हर दिन ऐसे बहुत सारा चीज़ आप खाते हैं बट दे आर नॉट हैविंग सेम टेस्ट सबका टेस्ट एक जैसा नहीं होता है सबका अलग अलग टेस्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट कुछ टेस्ट खट्टा लगता है सम टेस्ट थे, शोर एंड समेस्टेस बीटर और कुछ खारा लगता है कुछ मीठी लगता है और कुछ सल्टी लगता है हम टेस्ट को लेकर के अगर हम सब्सटेंस का जो टेस्ट है जस्ट लाइक लेमन जूस आपका क्या लगता है आपका खट्टा लगता है और ऑरेंज जूस ऐसे भी लाइक दैट ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंसेस आर ब्रॉडली कैटेगोराइज एज टू टाइप्स तो सब एसिड आपका हम टेस्ट को लेकर के सब्सटेंस को दो तरफ के डिवाइड कर सकते हैं वन इज एसिड अनदर वन इज योर बेस सो

टेस्टेस शोर सो so, उसका जो केमिकल नेचर है उसको बोलेंगे हम एसिडिक सो जनरली एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसेड एक लैटिन वर्ड है एस सी ई ई आर उससे आया है उसका मतलब है स्वर खट्टा लगता है सो देर आर टू टाइप ऑफ एसिड्स अन अदर वन इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड एन अदर वन इज योर वीक एसिड ओके डिस्कस ओकेबोरेटली देन

डिस्टिंगट्वी एसीड एंड बेस सो स्टूडेंट्स यू कैन लुक हियर आई एम जस्ट गिविंग यू द क्लैरिटी अ कंसेप्ट रिगार्डिंग एंड बेसेस दैट एसीड एंड बेसेस दिस सब्सटेस फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन एसिड्स आर द सबस्टांसेस टेस्टेस सोर आई है क्लियरली मेन्शन टेस्टेज सोरियंट बेसेस दैट टेस्टेज बीटर ये बीटर लगता है ये सोर लगता है देन आफ्टर दैट एसिड्स जेनरली रियाक्ट विथ सम मेटल्स

फैट्स एंड ऑयल्स दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आई विल एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट देन न्यूट्रलाइज बेसेस एसिड्स आर क्रोसिव दीज आर देशिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स

আয়োনাজ ফুলি বট ই ড আয়োনাজ ফুলি একজাম্পল আফ স্ট্রাং বেসিজর সোডিয়ম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়ম ফসফেট বেড়িম হাইড্রোক্সাইড ক্যালশিয়ম হাইড্রোকসাইড জস্টাইক দ্যাট অমোনিয় ইন কেস ইউ ক্যান सो स्टूडेंट्स हाउ कैन यू डिटेन ऑल थिंग्स कैनॉट भी इटेबल जितना भी चीजें सब चीज़ हम खा के तो टेस्ट नहीं कर सकते सो so इसीलिए एक अलग तरीका से है दैट मीन्स दे आर सम सब्सटैंसेस हुई आर यूटिलाइज इन ऑर्डर टू चेक वेदर द सब्स्टेंस इज एसिडिक और बेसिक जस्ट लाइक योर इंडिकेटर ऑफ योर वेकिल दैट मीन्स इट शोज इंडिकेट द डायरेक्शन इन हुई यू विल मूव लाइक दैट देर आर सम स्पेशल सब्सटेंसेस हुई आर यूटिलाइज टू टेस्ट

कलर हम अगर इंडिकेटर क्या करते हैं जनरली इंडिकेटर क्या करते हैं उसका कलर चेंज कर देते हैं उसी सोल्यूशन अगर वैन इंडिकेटर्स चेंज दे कलर वैन एडेड टू द सोल्यूशन कंटेनिंग और बेसिक अगर एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस है उसमें इंडिकेटर डाला जाएंगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है सो देर आर सम इंडिकेटर्स दे आर प्रेजेंट इन नेचर एंड दे आर सम आर आर्टिफिशियली विल डिस्कस इन डिटेल जस्ट लाइक योर इंडिकेटर्स एग्जाम्पल यू कैन राइट डाउन टर्मेरिक हल्दी जी उसको बोलते हैं उसके बाद

ज लेमन लैक्टिक एसिड कॉड अक्जालिक एसिड स्पीनाच आस्कर एसिड आमला साइट्रस फ्रूट में मिलता है जस्ट लाइक दैट देन आफ्टर दैट टाटारिक एसिड दैट इज योर टमारिन ग्रेप मैंगोज दीज आर द सोर्सेस यू हैव टू रिमेंबर दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के लिए इसको याद ही रखना बहुत अच्छा है नेक्स्ट वन है आपका देर यू कैन फाउंड जस्ट लाइक योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको कहाँ मिलता है लाइम वाटर चूना पानी जस्ट लाइक योर देन एमोनियम हाइड्रोक्साइड जस्ट लाइक योर विंडो क्लीनर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड सोप और मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नेशियम दीज आर ओ सोर्सेस इन हुई यू कैन गेट द एसिड इसमें इसी इसी सब्सटेंस में एसिड रहता है कौन सा एसिड किस में सब्सटेंस में रहता है उसी को आपको याद करना बहुत जरूरी है सो वी आर डिस्कसिंग वी आर डिस्कसिंग ये रिगार्डिंग योर इंडिकेटर्स दे सो आई हैव टोल्ड यू देयर आर सम इंडिकेटर्स व्हिच कैन बी ऑबटेंड फ्रॉम नेचर जस्ट लाइक योर लाइक एन सॉरी जस्ट लाइक योर लिटमस पेपर एंड अदर टाइप ऑफ चाइना रोज लाइक दैट फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग योर फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर दैट इज योर चाइना

एसिडिक सोल्यूशन इट ट रेड कौन सा कलर हो जाता है इसको याद रखिए लाइक लिटमस पेपर का एसिडिक सोल्यूशन में अगर ऐड करेंगे ये कौन सा कलर चेंज होता है रेड अगर हम बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे वेन इट इज यूटिलाइज इन बेसिक सोल्यूशन देन इट विल कन्वर्ट टू ब्लू क्या करना है आपको क्या आपको याद आया लिटमस अगर हम डालेंगे एसिडिक में क्या होगा एसिडिक में रेड होगा और बेसिक में क्या होगा ब्लू होगा याद रखिए। सो जनरली दो तरह का लिटमस होता है रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस दिस इज द दिस इज द डायग्राम ऑफ योर लाइकेंस दिस कैन भी सोन इन योर लेबोरेटरी आपका लेबोरेटरी में आपको आपका टीचर आपको दिखाएंगे दोनों तरफ का चलिए फिर बात करते हैं सो यू माइट हैव सीन देयर आर सो मेनी सब्सटेंसेस जस्ट लाइक यर डिटर्जेंट सोल्यूशन सोप सोल्यूशन शैम्पू ये सब में क्या होता है दे आर आर सम सब्सटेंसेस जस्ट लाइक यर वी कैन क्लासीफाई द सब्सटैसेज जस्ट लाइक योर इन टू पार्टी सी डी कैन अदर वन इजर बेसिक एन अदर दे आर दैट कैन नॉट चेंज देयर कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन अगर हम उसमें इंडिकेटर डालेंगे वो एसिडिक नहीं दिखाता है कि बेस नहीं दिखाता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल हियर इट हैज सोलूशन द सोल्यूशन इन विच डू नॉट चेंज देयर कलर आई रेड और ब्लू जो सब कलर चेंज कुछ नहीं करता है एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन में उसका कलर कुछ भी चेंज नहीं होता है उसको देन वी कैन कॉल दिस हेज न्यूट्रल सोल्यूशन सो फॉर दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर योर यर्स्ट पॉइंट इज योर A natural indicator just like here i have told you regarding here uh, that means i have told you regarding your litmus then after that we will discuss regarding your another natural indicator that is turmeric if you look towards the turmeric in case of uh, turmeric if you just uh, i am showing the diagram what so in this diagram i have uh, in this table i have already explained you regarding the इफ यू लुक टू आट द रेड लिटमस रेड लिटमस इट्स ओरिजिनल कलर इज रेड उसका ओरिजिनल कलर रेड ही होता है देन इफ यू यू विल लुक टू आट द एसिडिक सोल्यूशन देन नो चेंज बट इनके सबसे बेस्ट इफ यू पुट इट देन इट विल कन्वर्ट इन टू ब्लू कलर देन आफ्टर दैट इफ यू टू ब्लू लिटमस देन इनके इसका ऑरिजिनल कलर ब्लू है इफ यू पुट इट इन एसिडिक सोल्यूशन देन इट विल चेंज इन टू रेड है ना दर इंडिकेटर दैट इज यर टर्मेरिक हुई चीज अवेलेबल इन योर होम वेरी इजिली घर में इसको पता है आप देख सकते हैं उसको उसका एक्चुअली कलर होता है येल्लो अगर हम एसिड में डालेंगे उसको नो no चेंज अगर हम बेस में डालेंगे रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है इसीलिए आप देखते होंगे भी आफ्टर द वॉशिंग आफ्टर द प्रिपेरेशन ऑफ द फूड इफ द फूड कंटेंट सम सब्सटेंश जस्ट लाइक यर ऑयल दैट यी जी एसिडी की नेचर इफ यू पुट सम सर इफ द का इफ द करी कंटेंट सम टर्मरिक इफ यू पुट आफ्टर दैट इफ यू पुट सम बेस्ट जस्ट लाइक योर डिटर्जेंट पाउडर देन इट विल कन्वर्ट इन टू रेड इज कलर सो अनदर वन इज यर रेड कैबेजूस दिस इज नॉट इन योर कोर्स फेनल थैलीन व्वेन यू पुट फेल थालीन जनरली इट इज कलरलेस इट विल बी इन केस ऑफ एसिड दैट मीन इट विल कलर नो चेंज इन इट्स कलर इन केस ऑफ बेसिक सोल्यूशन देन इट विल इन टू पिंक

इसमें चेंज नहीं होता है इफ़ यू लुक टुअर्ट्स द आफ्टर दैट इफ यू लुक टुअर्ड्स योर चाइना रोज सोल्यूशन जस्ट आई एम कंपेयरिंग दिस वन फर्स्ट वन इज यर आई एम टेकिंग एसिड दीज आर द एसिड्स एंड दीज आर द बेस इन केस ऑफ आपका लास्ट में हम बात करते हैं लास्ट कलम का आप देखिए इधर इफ यू लुक टुअर्स द लास्ट कलम इन केस ऑफ एसिड द चाइना रोज जस्ट लाइक यर गुड आल जो इट इज कल गुड आल देन इट इज कन्वर्ट्स इन टू डार्क पिंक कौन सा कलर में कन्वर्सन होता है डार्क पिंक एसिडिक में आपका डार्क पिंक में देखिए उसमें सल्फरिक एसिड भी डार्क पिंक हो जा रहा है और नाइट्रिक एसिड भी डार्क पिंक हो जा रहा है एसिटिक एसिड भी डार्क पिंक कलर कन्वर्सन हो जाता है बट इन केस ऑफ बेस बेस में क्या हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड लाइट लाइक दैट टर्न्स ग्रीन कौन सा कलर में कन्वर्सन हो जा रहा है ग्रीन कलर में कन्वर्सन हो जाए सो व्हाट वी कंक्लूड जस्ट इन केस ऑफ चाइना रोज इफ यू पुट चाइना रोज इन द सोलूशन इन केस ऑफ एसिड एसिड में अगर हम चाइना रोज सोल्यूशन डालेंगे चाइना रोज आपका एसिड में अगर डालेंगे कौन सा कलर हो जाएगा डार्क पिंक ही कौन सा कलर का डार्क पिंक कलर हो जाएगा बट चाइना रोज इफ यू पुट इन केस ऑफ बेस देन इट विल कन्वर्ट इन टू ग्रीन कौन सा कलर कन्वर्सन होगा ग्रीन कलर कन्वर्सन हो जाएगा इसको याद रखिए सो डिस्कस रिगार्डिंग द ऑल द इंडिकेटर्स हाउ द इंडिकेटर्स आर हेल्पफुल फॉर आवर डिटर्मिनेशन वेदर द सब्स्टांस इज एसिडिक और बेसिक विदाउट टेस्टिंग बाय आवर माउथ बिना हम टेस्ट करके माउथ में टे, बिना टेस्ट करके इंडिकेटर डाल के हमको पता चल गया कि हम कैसे उसका कलर चेंज अगर ऐसा होता है तो हम उसको एसिड बोलेंगे अगर ऐसा होता है तो बेस बोलेंगे उसके बारे में हम टोटल डिस्कशन किए सो स्टूडेंट्स यू माइट है लिस रिगार्डिंग यर एसिड रेन एसिड रेन आर वेरी हार्मुल हाउ एसिड रेन अकॉर्स आई विल एक्सप्लेन यू दिस

एच टू एस ओ फोर सॉरी इसको चेंज करके हम एन ओ टू लिख देते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड एन ओ टू प्लस एच टू ओ दैट विल बी एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड आपका हो जाता है ये अगर हम उसको एस ओ टू और एच टू ओ लिख देते हैं तो क्या हो जाए सल्फ्यूरिक एसिड का ये हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है सो so,

हम यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं इक्वेशन की तरफ आपको पता चल जाता है सो वैन यू टेक सम एसिड एंड बेस वैन यू रिएक्ट बिटवीन एसिड एंड बेस देन व्हाट विल हैपन दे विल द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नॉन एज योर न्यूट्रलाइजेशन स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम एसिड और बेस को रिएक्शन करेंगे क्या होता है उसी रिएक्शन को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूसड बाय दिस प्रोसेस दूसन ऑफ़ हीट क्या क्या निकलता है सॉल्ट निकलता है वाटर निकलता है और कुछ अमाउंट का हीट भी निकलता है अब एक दूसरे का इफेक्ट को नॉलीफाई करते हैं कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे का इफेक्ट जो होता है काट देते हैं सो so, इसमें क्या निकलता है आपका सॉल्ट और वाटर निकलता है फॉर एग्जाम्पल यू कैन

इन आवर डेली लाइफ क्या क्या एप्लीकेशन है पहला चीज आपका इन डाइजेशन के लिए ये मदद करता है दैट मीन्स आपका आवर स्टोमक कंटेंट सो मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा अगर कुछ टाइम तक आप नहीं खाएंगे आपका स्टोमक में क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपका पेट खराब हो जाता है इसीलिए आपको क्या खाना पड़ता है इनो खाना पड़ता है और एंटासिड खाना पड़ता है एंटासिड मीन्स एंटी एसिड और मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जो इसको बोलते हैं एंटासिड एंटासिड अगर खाएंगे तो एक दूसरे का इफेक्ट को क्या करेंगे एसिड बेस का इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और आपका आपको मदद थोड़ा राहत मिल जाता है देन आफ्टर दैट एंट बाइट ऑल ऑफ यू नो एंट द स्टिंग ऑफ द एंट कंटेंट्स ऑन एसिड दैट इज फॉर्मिक एसिड अगर एंट बाइट करता है तो एक एसिड छोड़ देता है उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड

ट्रीटमेंट uh, हाओ so, अगर आपका सॉइल में एसिड का अमाउंट ज्यादा है इफ द सॉयल कंटेंट्स मोस्ट अमाउंट ऑफ एसिड और बेस देन इट इज नॉट सुइटेबल फॉर द कल्टिवेशन कल्टिवेशन कर लेके वो अच्छा नहीं होगा इसीलिए इन ऑर्डर टू रिमूव दैट थिंग्स अगर आपका सॉयल में ज्यादा एसिड है वी हैव टू ट्रीट बेस जस्ट लाइक योर क्विक लाइम चूना लगा दीजिए कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको आप चूना दे दीजिए ताकि वो क्या होता है न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपका ज़मीन उपजाऊ हो जाएगा मतलब खती करने के लिए लाइक हो जाएगा अगर बेस ज़्यादा है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल दीजिए ऑर्गेनिक मैटर जस्ट लाइक योर भर्मी कंपोस्ट एंड अदर टाइप्स ऑफ मान्यो वी कैन ऑल्सो एडेड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल सॉइल की प्रॉपर्टी हिसाब से हम उसको डाल सकते हैं Then, after that, we will discuss regarding your factory waste, All of you know when the factory waste contains so much amount of harmful substances, when they are released to the nearby waterways, they are will also get hampered. And if you put it on the uh, soil, then it will also get affected. So, in order to remove that one, you have to neutralize by adding some. If the substance factory waste are acidic, then we have to utilize. We have to put some base so that it will nullify the effect. So, this is all about this chapter. Perhaps these things uh, are clear. If you have any doubts, you may also comment in the box. Uh, so, I am trying my best. Please subscribe to our channel for uh, updated information. So, I am just re recapping the important points. Just write them acids are sour in taste, and bases are bitter in taste. So, fit to touch. Then, acids turn blue litmus to red, and base turn.

इसी तरफ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़ते जाइए पढ़ते रहिए और खुश रहिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड का साथ नुआ उत्साहमान का साथ तब तक टेक केयर बाय बाय अलफ यू थैंक यू मे गॉड ब्लेस यू